Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video of class 7, you will learn chapter 1, integers, exercise 1.4, NCERT solutions. Click on the I button to watch the other exercises. First question is, evaluate each of the following. First is minus 30 divided by 10, 50 divided by minus 5, C part is minus 36 divided by minus 9. अब इसमें अलग अलग parts दे रखे हैं जिनको आप एक एक करके solve करना सीखोगे. Let us solve the A part which is minus 30 divided by 10. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे. जैसे माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 तो आंसर आएगा आपके पास माइनस 3. जब आप किसी नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड करते हो तो नेगेटिव का साइन आता है. बी पार्ट इज 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5. अब इसको सॉल्व करोगे, आपको 50 को डिवाइड करना है माइनस 5 के साथ, तो आप लिखोगे 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5, सो आंसर विल बी माइनस 10. सी पार्ट इज माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 9. टू सॉल्व दिस वील राइट माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 9. अब इसके बाद आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 4, क्योंकि दोनों नेगेटिव कैंसिल हो गए इसलिए आपके पास में आंसर आया 4. जब दो नेगेटिव साइन डिवाइड होते हैं तो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं. डी पार्ट है माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49. टू सॉल्व दिस सबसे पहले आप लिखोगे 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49 और उसके बाद आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस 1, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव का साइन आएगा आपके आंसर के साथ. ई पार्ट है इन द ई पार्ट 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 1. अब इसके अंदर आपके पास में एक ब्रैकेट भी आ गया तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, उसके बाद इसका सॉल्व करके आपके पास आया माइनस 1. अब हम 13 को डिवाइड करेंगे माइनस 1 के साथ तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस 13. एफ पार्ट इज 0 डिवाइडेड बाय माइनस 12. टू सॉल्व दिस वील राइट 0 डिवाइडेड बाय माइनस 12, देन वी विल डिवाइड 0 विद माइनस 12, सो योर आंसर विल बी 0, क्योंकि 0 के साथ जब भी आप कोई भी इंटीजर को डिवाइड करते हो या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर 0 आएगा. जी पार्ट है माइनस 31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट माइनस 30 प्लस माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. टू सॉल्व दिस फर्स्ट वील सॉल्व द ब्रैकेट. तो सबसे पहले आपके पास में जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको आप आंसर में लिखिए और उसके बाद आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पहले माइनस 30 माइनस 1, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि साइन सेम है तो आंसर आएगा माइनस 31. अब आप माइनस 31 और माइनस 31 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1. एच पार्ट इज माइनस 36 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3. अब इसके अंदर ब्रैकेट डिवाइड के साथ है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे, 36 डिवाइडेड बाय 12, तो जो आंसर आएगा उसको आप 3 के साथ डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आया माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो आप इन दोनों को जब डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 1. आई पार्ट इज ब्रैकेट माइनस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1. अब इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उनको आप डिवाइड कर दोगे. सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे माइनस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1. Verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A and B and C.
first part is A is given to you 12, B is given to you minus 4, C is given 2. And in the B part, A is given minus 10, B is given 1, C is given 1. तो अब आपको इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ऊपर जो दे रखा है उसको वेरीफाई करना है. सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें आपको ए की वैल्यू दी है 12, बी की वैल्यू दी है माइनस 4 और सी की वैल्यू दे रखी है 2. अब आपको ये जो ए बी सी की वैल्यूज दे रखे हैं इनको आप क्वेश्चन में गिवन जो कंडीशन थी जो कि थी ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी. अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है. आपको जो तीनों वैल्यूज दी हैं आप उसको लिखोगे, फिर आप इसकी वन साइड लोगे विच इज लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, उसके अंदर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 2. तो आपके पास में आंसर आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो आंसर आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का माइनस 6. फिर आप राइट हैंड साइड लिखोगे ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आया माइनस 3 प्लस 6. आपके पास जो आंसर आ रहा है माइनस 3 प्लस 6 करके 3. अब आप जब LHS और RHS की वैल्यूज को कंपेयर करते हो तो माइनस 6 और 3 जो है वो इक्वल नहीं है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, हेंस द वैल्यूज आर वेरीफाइड. B पार्ट इज A इक्वल्स टू माइनस 10, B इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू 1. अब इस तीन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली A, B, C की आपको क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन दे रखी थी उसी के अंदर हमने पुट करना, जैसे हमने A पार्ट में किया था. आप सबसे पहले जो कंडीशन आपको दे रखी है उसको लिखोगे, उसके बाद में आप लिखोगे इन तीनों की वैल्यू, A, B, C की जो वैल्यूज दे रखी है आपको क्वेश्चन में वो लिखोगे, फिर आप लोगे लेफ्ट हैंड साइड A डिवाइडेड बाय B प्लस C. अब इसके अंदर आप इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इसको लिखोगे, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा माइनस 5. फिर आप राइट हैंड साइड लोगे विच इज A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C. अब इसके अंदर आप इस क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज को पुट करोगे जो कि है माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1, आपके पास में आया माइनस 10 प्लस माइनस 10, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस 10 और माइनस 10 सेम साइन है इसलिए आपका आंसर आया माइनस 20. अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो आपके पास में आ रहा है माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू माइनस 20. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था, तो इसलिए जो गिवन वैल्यूज हैं वो वेरीफाई हो गई हैं. थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू. फर्स्ट इज 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल्स टू 369. अब इसमें अलग अलग आपको पार्ट्स दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. इन पार्ट्स को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप एक बार लिख सकते हो, हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं. बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के टाइम पे स्टेप्स जरूर फॉलो करो, हर स्टेप का जितना नीटली लिखोगे आपको भी अपनी गलती का पता चलता है और टीचर के ऊपर भी एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. ए पार्ट इज 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल्स टू 369. टू सॉल्व दिस फर्स्ट वील लेट द मिसिंग नंबर बी मिसिंग इंटीजर बी एक्स. तो इस मिसिंग इंटीजर को आप एक्स ले लोगे तो आप लिखोगे 369 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 369. x की वैल्यू के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 369 डिवाइडेड बाय 369 आपके पास में x का आंसर आएगा 1. तो नाउ वील सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन ब्लैंक, तो आपके पास में आंसर आएगा 369 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 369. b पार्ट इज माइनस 75 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल्स टू माइनस 1. टू सॉल्व दिस वील लेट द मिसिंग नंबर मिसिंग इंटीजर बी एक्स. सो वील राइट माइनस 75 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू माइनस 1. तो एक्स की वैल्यू इक्वल होगी माइनस 75 डिवाइडेड बाय माइनस 1. सो वील राइट माइनस 75 डिवाइडेड बाय माइनस 1. सो यू विल गेट द आंसर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 75. Now we will substitute the value of x in the given blank which is minus 75
divided by 75 gives you the answer of minus 1. C part is minus 206 divided by blank equals to x. Let the missing integer be x. So we'll write minus 206 divided by x equal to 1. Now we will write x equal to minus 206 divided by 1. So we'll write x equal to minus 206 divided by 1. You can write the answer minus 206. Now we will substitute the value of x in the given blank, which is minus 206 divided by minus 206 is equals to 1. D part is minus 87 divided by blank equal to 87. Let the missing integer be x. So we'll write minus 87 divided by x equal to 87. Now we'll write x equal to minus 87 divided by 87. When we will divide minus 87 with 87, you will get the answer of x is equals to minus 1. Now you will substitute the value of x in the given blank, which is minus 87 divided by minus 1 gives you the answer of 87. Jab do same negative sign divide honge, to aapke paas positive answer aayega. E part is dash divided by 1 equal to minus 87. Let the missing integer be x. So we'll write x divided by 1 equal to minus 87. Now you will write x equal to minus 87 multiply with 1. क्योंकि x के साथ जो 1 divide हो रहा था, दूसरी side पर जाने पर वो multiply होगा. तो आपके पास answer आएगा minus 87. फिर आप इसकी value को blank में लिखोगे, तो आएगा minus 87 divided by 1 gives you the answer of minus 87. F part is dash divided by 48 equal to minus 1. Let the missing integer be x. So we'll write x divided by 48 equals to minus 1. Now x is equals to minus 1 multiplied with 48, which will give you the answer of minus 48. Now you have to substitute this value of x in the given blank. So we'll write minus 48 divided by 48 is equals to minus 1. G part is 20 divided by blank equal to minus 2. Let the missing integer be x. 20 divided by x is equals to minus 2. So x equal to 20 divided by minus 2. So x will be equal to minus 10. Now substitute the value of x in the blank. So we'll write 20 divided by minus 10 equal to minus 2. H part is dash divided by 4 is equals to minus 3. So we'll solve. Let the missing integer be x. Now we'll write x divided by 4 equal to minus 3. तो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी minus 3 multiply with 4. तो आंसर आएगा x is equals to minus 12. अब हम इसकी वैल्यू को जो x की आई है उसको blank में लिखेंगे. तो हम लिखेंगे minus 12 divided by 4 is equals to minus 3. Fourth question is, write 5 pairs of integer a, b such that a divided by b is equals to minus 3. One such pair is 6 and minus 2, because 6 divided by minus 2 gives you the answer of minus 3. अब इस question में आपको बोला आपने 5 pairs ऐसे integers के लिखने हैं जिनको divide करने पे आपके पास answer minus 3 आए. So let us solve this question. First part is, सबसे पहला pair है 15 और minus 5.
क्योंकि जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा -3। सेकेंड है -15 and 5, क्योंकि जब आप इन दोनों को भी डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा -3। थर्ड इज 18 and -6, क्योंकि जब आप 18 और -6 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा -3। फोर्थ इज -18 and 6। अब इसमें आप देखोगे इंटीजर के सिर्फ साइन चेंज किए हैं मैंने, तो उससे भी आपके पास में आंसर -3 आएगा। फिफ्थ है 21 divided by -7, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तब भी आपके पास में आंसर जो है वो -3 आता है। इस क्वेश्चन में आपको 5 ऐसे पेयर्स बताने थे जिनको डिवाइड करने पे आंसर -3 आए। फिफ्थ क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो इफ इट इज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिड नाइट एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट। दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसके बाद टेम्परेचर दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो आपको बताना है कितने बजे टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा और टेम्परेचर मध्य रात्रि को यानी कि मिडनाइट रात को 12 बजे कितना रहेगा। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो का मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन इज टेम्परेचर एट द बिगनिंग दैट इज 12 नून इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने माइनस लिया है। तो पहले एक घंटे के अंदर 10 के साथ जब आप -2 डिग्री को प्लस करोगे तो आएगा 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे दोपहर के उसको फिर से आप 2 डिग्री सेल्सियस कम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। फिर दोपहर के 3 बजे 6 से आप 2 कम कर दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे आप 4 के अंदर से फिर से 2 कम करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब आप शाम के 5 बजे 2 में से 2 कम कर दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब 5 बजे जो आपके पास में टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। 6 बजे जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे वो हो जाएगा -2 -2, तो आंसर आएगा आपके पास में -4 डिग्री सेल्सियस। जब आप 8 बजे का टेम्परेचर करोगे तो -4 और -2, तो आंसर आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जब आप रात के 9 बजे का करोगे तो उसमें आपके पास में आएगा -6 प्लस -2, तो इन दोनों को माइनस करने पे आएगा -8 डिग्री सेल्सियस। देयरफोर एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि रात के 9 बजे जो टेम्परेचर है वो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा। सेकेंड पार्ट पे उन्होंने आपसे पूछा था कि मिडनाइट 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा, तो उसके लिए क्या है कि 12 AM के लिए पूछ रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर 12 घंटों का है -2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई विद 12, तो -24 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट का टेम्परेचर जो है वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -24 डिग्री सेल्सियस, सो इट्स आंसर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे यानी कि मिडनाइट को टेम्परेचर जो है वो होगा 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट 3 marks आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 marks आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। एक किसी क्लास टेस्ट के अंदर 3 numbers दिए जाते हैं अगर आंसर ठीक होता है। क्वेश्चन के गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग है तो -2 marks मिलते हैं, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 marks मिलते हैं उसके लिए। तो अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है राधिका स्कोर 20 marks इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब इसमें आपको बताना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए थे। फर्स्ट यू विल राइट मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 correct answer, वो है 3। देन टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर, तो आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 36। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर रॉन्ग आंसर आर -2,
तो आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, टोटल स्कोर माइनस द टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर। टोटल स्कोर था 20, करेक्ट 12 आंसर्स के लिए था 36, तो दोनों को माइनस करके आया माइनस 16। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए आप माइनस 16 को डिवाइड करोगे माइनस 2 के साथ, तो आंसर आएगा 8। तो राधिका ने 8 इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए थे। सेकेंड पार्ट इज मोहिनी स्कोर्स माइनस 5 मार्क्स इन दिस टेस्ट थ्रू शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। मोहिनी के माइनस 5 मार्क्स आए इस टेस्ट के अंदर, उसने 7 करेक्ट आंसर किए थे, तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने गलत किए थे। तो जैसे हमने पहले पार्ट में किया था सेम वैसे ही, पहले आप मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर लिखोगे जो कि 3 है, फिर टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स आ गए आपके पास 21, रॉन्ग आंसर के लिए मिलते थे माइनस 2, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए जो इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स हुए उसके लिए आप टोटल माइनस द अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स निकालोगे, तो माइनस 5 माइनस 21 आंसर आया माइनस 26। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस निकालने के लिए हम माइनस 26 को माइनस 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आया 13, यानी कि मोहिनी ने 13 इनकरेक्ट आंसर्स किए थे जो कि उसका स्कोर माइनस 5 आया। सेवेंथ क्वेश्चन इज एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंडेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच माइनस 350 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि एलिवेटर है जो कि ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से, उसने जमीन के नीचे यानी कि ग्राउंड में जाना है माइनस 350, और उसकी स्पीड आपको दे रखी है 6 मीटर पर मिनट की। आपको टाइम टेकन बता, इसके लिए आप सबसे पहले लिखोगे इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर जो कि है 10 मीटर, फिर आप लिखोगे फाइनल डेप्थ ऑफ द एलिवेटर जो कि है माइनस 350 मीटर, फिर टोटल डिस्टेंस जो उस एलिवेटर ने डिसेंड करना है वो है माइनस 350 माइनस 10, तो इन दोनों को करके आपके पास माइनस 360 मीटर। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड वो है 6 मीटर के लिए 1 मिनट। अब क्योंकि ये डिसेंड हो रहा है इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड माइनस 360 मीटर, उसके लिए आप क्या करोगे माइनस 360 को डिवाइड कर दोगे माइनस 60 के साथ, तो आपके पास में आया 60 मिनट यानी कि 1 घंटा 1 आवर उसको लगेगा उस लिफ्ट को 10 मीटर से माइनस 350 मीटर तक जाने के लिए। Thanks for watching, dear students. I hope you like this video. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSE Tutorial for more such videos. Write in the comment section if you have any doubts or any suggestions.